everyone, welcome back to Let's Learn 2.0. And in this particular video, we are going to talk about two more interesting experiments regarding to photosynthesis. Julius von Seitz and T.W. Engelmann. So, आज हम लोग पढ़ेंगे Julius von Seitz and T.W. Engelmann के बारे में. इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे? मॉल हॉप लीप एक्सपेरिमेंट, क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट और जॉन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट. आज हम लोग पढ़ेंगे जूलियस वॉन सेक्स. सो लेट्स स्टार्ट जूलियस वॉन सेक्स. जूलियस वॉन सेक्स की बात किया जाए तो इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया था और कहा था कि जब प्लांट ग्रो करते हैं उस समय ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और यह ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है. सो provided evidence for production of glucose when plants grow and stored in starch form. और इन्होंने recognize किया था relation को भी और इन्होंने photosynthesis, chloroplast और starch के बीच के relationship को भी recognize किया था. इन्होंने कहा था कि जो green part होता है कि जिसमें कि जो chlorophyll molecule होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट में. और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ होता है? प्लांट में होता है. फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड स्टोर्ड इन स्टार्च फॉर्म एंड रिकॉग्नाइज द रिलेशन अमंग क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे T.W. Engelmann के बारे में. जो T.W. Engelmann है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से मटेरियल यूज किए थे और इनके एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन मिला था. इनका जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था ग्रीन एल्गा में बात किया जाए तो क्लैडोफोरा होता है और इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया था और एक प्रिज्म लिया था. सो आइए अब देखते हैं आगे. इन्होंने सबसे पहले एक प्रिज्म लिया लाइट को डाला ए व्हाइट रेंज ए व्हाइट लाइट. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रिज्म है वो लाइट को स्प्लिट कर देता है. अब ये जो प्रिज्म है वो लाइट को इसमें हम दो कलर रखेंगे और बाकी सब ब्लैक. इसमें एक ये कलर रखती है लाइटें हम लोग ब्लैक रख रहे हैं. ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो हमने इस पर डाला व्हाइट लाइट और ये स्प्लिट किसमें हुआ? 7 विजुअल लाइट में स्प्लिट हो गया. वो कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अब इन्होंने फिर क्या किया? एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया. अब यहाँ पर इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया एरोबिक बैक्टीरिया और इसमें इन्होंने ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा को यहाँ पर इन्होंने ये जो था ये एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन है. ये जो आपको दिख रही है ये सब एरोबिक बैक्टीरिया हैं. अब हमने क्या किया? अब ये जो लाइट है ये जाकर के इस पे पड़ती है. ये सारी लाइट सीधे जाती है, बस यहाँ पर हम तिरछा इसको बना रहे हैं. एरोबिक बैक्टीरिया की सस्पेंशन पे पड़ती है
देखिए ये सारी लाइट है, जब आकर के इस क्लैडोफोरा पर पड़ेंगी तो ये जो क्लैडोफोरा है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और फोटोसिंथेसिस वहां पर ज्यादा होगा जहां पर लाइट मैक्सिमम पड़ेगी। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस, अब क्या देखा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस जहां पर ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा, फोटोसिंथेसिस जहां पर ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होता है तो वहां पर जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एक्युमुलेट होने लगती है, क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जीवित रहने के लिए। सो जहां जहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा वहां वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया एक्युमुलेट होने लगती है। इससे इन्होंने कंफर्म किया कि जो फोटोसिंथेसिस जहां पर ज्यादा होती है वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया एक्युमुलेट होने लगती है, जिससे इन्होंने कंफर्म किया कि ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस में होता है ब्लू और रेड रीजन में। अब देखिए जो टी डब्ल्यू इंगलमैन थे, इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था, ग्रीन एल्गा जिसमें क्लैडोफोरा लिया गया था, एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था, प्रिज्म था। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म पर इन्होंने व्हाइट लाइट डाला। अब ये व्हाइट लाइट 7 विजिबल लाइट में स्प्लिट हो जा रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज एंड रेड। अब फिर क्या हुआ, इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन लिया, इसमें इन्होंने क्लैडोफोरा को रख दिया। अब ये जो सारी लाइट है जब इस क्लैडोफोरा में पड़ती है तो ये क्लैडोफोरा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और ये जो फोटोसिंथेसिस जहां पर मैक्सिमम हो रहा होगा वहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया जो इस पूरे सस्पेंशन में है वो एक जगह एक्युमुलेट होने लगती है जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होती है। इससे टी डब्ल्यू इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से कन्फर्म हुआ कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू और रेड रीजन में होता है।